एज एक्सपेक्टेड इंडिया में 5G सबसे पहले लॉन्च करेगा जियो। ये बात बोलने के लिए मेरे को जियो वालों ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि ये बात उन्होंने खुद ही बोला है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, जियो 5G कब लॉन्च होने वाला है? जियो वालों की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि कब लॉन्च होने वाला है या कोई स्पेसिफिक डेट्स, बट होप सो ये नेक्स्ट ईयर 2021 के मिड तक आ जाए। A complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. This made-in-India 5G solution will be ready for trial as soon as 5G spectrum is available and can be ready for field deployment next year. Realme और Aiko दोनों ने इंडिया में सबसे पहले 5G phones रिलीज किया था, लेकिन दोनों के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए जियो वालों ने यह अनाउंसमेंट किया है कि वो 5G फोन्स भी रिलीज करेंगे एक सस्ते और अफोर्डेबल रेट पे। अब हम बात करेंगे अमेरिका और हुआवी की ब्रेकअप के बारे में। अमेरिका चाइना की सबसे बड़ी कंपेटिटर, चाहे आप इकोनॉमिकली कंपेयर करें या ग्लोबल इंटेलिजेंस, हर चीज़ में अमेरिका चाइना को कम्पीट करता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने क्यों चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी हुआवी को बैन किया? इसका रीजन है सिक्योरिटी कंसर्न्स। अमेरिका को यह डर है कि कहीं चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन हुआवी उनका सभी डाटा चाइनीज गवर्नमेंट को कहीं लीक ना कर दे। अब चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन से बचने के लिए US के लॉ मेकर्स ने वायरलेस कैरियर AT&T को रिकंसिडर किया था कि वो जाके कुछ डील्स करें हुआवी के साथ। अब जिन लोगों को नहीं पता AT&T क्या है, उनको मैं ये बता दूं, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। एक रिपोर्ट से ये पता चला है कि 2012 में हुआवी एंड ZTE कॉरपोरेशन और कई चाइनीज टेलीकम्युनिकेशन को इन्वेस्टिगेट किया था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद US कांग्रेस से एक स्टेटमेंट आया कि हुआवी ने ढंग से कॉरपोरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन के टाइम, और जब हुआवी से पूछा गया कि उनका कोई रिलेशन चाइनीज गवर्नमेंट या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है कि नहीं, तब हुआवी ने इसका आंसर देने से इनकार कर दिया। फिर अमेरिका ने ये सब 5i ग्रुप को इन्फॉर्म कर दिया था। 5i ग्रुप एक अलायंस है जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और USA के बीच में। एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये सब ज्वाइंट कॉपरेशन करते हैं इन सिग्नल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में। इन सभी देशों का इंटरनेट TLD यानी टॉप लेवल डोमेन है ऑस्ट्रेलिया का AU, कनाडा का CA, न्यूजीलैंड का NZ, यूनाइटेड किंगडम का UK और अमेरिका का US। एग्जांपल, हमारे इंडिया का डोमेन है .in। जैसे हम इंडिया के लिए Amazon.in यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करें।